ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब है ही नहीं, इसको पर्पजली टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब बनाया गया। अब आमिर सिद्दीकी टिकटॉक का रिप्रेजेंटेटिव तो है नहीं कि वो अगर कोई बेवकूफी करेगा तो आप पूरे टिकटॉक को ह्यूमिलिएट करोगे, दिस इज वन। ठीक है, मान लो कल को अगर कोई ट्विटर से आ जाता है और कहता है कि यूट्यूब बहुत बेकार है, ट्विटर फार बेटर है यूट्यूब से, यूट्यूब में कंटेंट नहीं है, तो क्या यूट्यूब वर्सेस ट्विटर होगा? होगा ऐसा नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन आ भी जाएगी ना तो भी नहीं होगा, क्योंकि वहां जवाब देने वाले बैठे हैं। अब प्यूडीपाई ने जब मजाक उड़ाया इंडिया की पॉवर्टी का, इंडियंस का, मतलब अच्छे से ह्यूमिलिएट किया, यूट्यूबर्स का मजाक उड़ाया, तब कितना बुरा लग रहा था हम लोगों को। इतने लोग आए थे सपोर्ट में जितने इस समय आए हुए हैं टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब में। हर किसी को अपना अपना शेयर चाहिए, तो वो हिस्सा लेने आए हैं सब यहाँ पे। लेकिन जब हमारे साथ होता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, जब हम करते हैं तो मजा आता है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे ना यार, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो उसके टॉप के बंदे होते हैं ना, वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म को। टिकटॉक के डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, न्यूज एंकर्स हैं, एक्टर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, लेकिन इन सब के बारे में कोई बात नहीं करेगा। इस टॉपिक को आप थ्रू आउट दिस कॉन्ट्रोवर्सी किसी ने इनके बारे में बात भी की हो तो टिकटॉक खुद ही इन लोगों को पैरों में रखता है। आज की डेट में 800 मिलियन यूजर्स हैं, 1.5 बिलियन लोगों ने इसे ऐप स्टोर पर डाउनलोड किया है, ऑलमोस्ट सबके मोबाइल में मिलेगा तुम्हें। लेकिन इस तरीके से इसकी इमेज बन गई है कि लोग बताने में डरते हैं। अब टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब में अगर तुम मेरी राय पूछोगे तो मैं अपना ओपिनियन अगर बताऊं तो यूट्यूब अनडाउटेडली सबसे बेस्ट है, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो मैं सारी यूट्यूब से ही लेता हूँ। मुझे मेरे प्रोजेक्ट्स में हेल्प चाहिए होती है, सब यूट्यूब से, वेबसाइट डेवलपमेंट कुछ भी हो, मुझे यूट्यूब से मेरा पर्पस पूरा होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरा पर्पस पूरा हो रहा तो हर किसी का होगा। मान लो कोई बहुत स्ट्रेस में हो, कोई दिन भर काम कर रहा हो, उसको अपना माइंड डाइवर्ट करना हो, तो टिकटॉक खोल लिया, 15-15 सेकंड में वो वीडियोज देख रहा है अपने। मैंने खुद टिकटॉक इसलिए इंस्टॉल किया था क्योंकि जब मैं काम बहुत कर लेता था तो मुझे अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैं वो थोड़ी देर भी अगर 15-20 मिनट भी वीडियोज देखता था तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता था। कोई भी टिकटॉक इसलिए नहीं इंस्टॉल करता है कि उसको गिटार सीखना है या उसको वेब डेवलपमेंट सीखना है या उसको कुकिंग सीखनी है। लोग टिकटॉक इंस्टॉल करते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, एक अच्छा यूट्यूब चैनल चलाने के लिए। अच्छे इक्विपमेंट चाहिए होते हैं जो हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। पहली चीज, टिकटॉक में सिर्फ मोबाइल चाहिए होता है तो उसमें जो लोअर क्लास के लोग भी होते हैं वो भी आसानी से वीडियो बना लेते हैं। अब जो लोअर क्लास का आदमी जिसने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, जो आपकी तरह प्रिविलेज नहीं है, जिसने आपकी तरह एजुकेशन सिस्टम तो छोड़ो, जो आपके आसपास लोग हैं वो तक उसके आसपास नहीं दिखे कभी, उसने अच्छी चीज देखी ही नहीं कभी, वो 15 सेकंड में क्या बना के दे देगा आपको? आपके पास ऑप्शन है नॉट इंटरेस्टेड करने का, वो आप 2-3 बार नॉट इंटरेस्टेड करोगे तो वो अपने आप आना बंद हो जाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं, आप उसको उठाएंगे, उसको अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको माँ बहन की गाली देंगे, फिर सब लोगों के सामने मजाक उड़ाएंगे और सारे लोग मिलके हंसेंगे। एक्चुअली ये ईगो सेटिस्फाई करना है कि मैं इतना अच्छा, इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें कर रहा हूँ, इतना अच्छा कंटेंट बनाता हूँ, मेरे से ज्यादा लाइक इस बेवकूफ के, पंचर जोड़ने वाले के, एक मजदूर के कैसे आ गए? इनको तो समाज में रहने का अधिकार नहीं है, ये टिकटॉक क्यों चला रहे हैं? और सिर्फ माँ और बहन की गाली नहीं देते, छक्के, गे, ये सब भी बोला जाता है। और जब आप ये सब कर रहे होते हैं ना तो आप एक कम्युनिटी को और टारगेट करते हैं, वो कम्युनिटी जो रोज अपने राइट्स के लिए ऑलरेडी लड़ रही है। जब उनकी डेथ हो जाती है ना तो एक ट्रेडिशन है कि उनको चप्पल मारी जाती है ताकि दोबारा ऐसे ना पैदा हो। तो आप सोच भी नहीं सकते वो डेली बेसिस पे किस चीज से गुजरते हैं। और जब आप ये करते हैं तो आपके मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स जो है ना वो भी यही चीज करते हैं। टिकटॉक चाइना का है, यूट्यूब यूएसए का है, लड़ाई इंडिया में हो रही है, ये किसी के नहीं है। अब टिकटॉक ने अपने टॉप इन्फ्लुएंसर्स को, जो पॉपुलर क्रिएटर थे, उनको ही बैन कर दिया। अब यूट्यूब ने भी, आप जिसके लिए लड़ रहे थे, जिसके सपोर्ट में आप लड़ रहे थे, उन्होंने भी आपकी वीडियो हटा दी। तो ये किसी के नहीं है।